राम श्याम सीता गीता करण अर्जुन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नाम आपको क्यों बता रहे हैं। ये वो नाम है जिन्हें हिंदी सिनेमा में जुड़वा के रूप में दर्शाया गया है। और बात अगर जुड़वा की ही कर रहे हैं तो उससे जुड़े एक गजब की बात भी आपको बता देते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम गजब की बात। मैं हूँ साक्षी शर्मा। वैसे तो अपने देश भारत में कई रहस्यमय एक जगह है जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। इन्हीं में से एक केरल के मलप्पुरम जिले में एक गांव है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ आपको हर घर में हम शक्ल मिल जाएंगे। ये भारत का वो गाँव है जहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसकी खोजबीन में वैज्ञानिक भी जुटे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। हम बात कर रहे हैं केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडनी गांव की। केरल राज्य का ये गांव आज भी एक पहेली बना हुआ है। इस गांव को विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा होते हैं। इस गांव में अब तक ना जाने कितने सीता गीता राम श्याम जन्म ले चुके हैं। इस गांव के जुड़वा लोगों को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। गांव में ज्यादातर परिवारों में जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं, लेकिन गांव में इतने सारे जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं? इस बात को जानने के लिए कई वैज्ञानिक यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस रहस्यमय गांव में 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि इस समय केरल के इस गांव में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। अगर हम बात इसके रिकॉर्ड की करें तो इस गांव का स्थान विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन एशिया में ये पहले नंबर पर आता है। विश्व का पहला नंबर नाइजीरिया के एक बो ओरा को प्राप्त है, जहां ये औसत 145 बैठता है। केरल का ये कोडनी गांव एक मुस्लिम बहुल गांव है, जिसकी आबादी करीब 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह आपको हम शक्ल नजर आ जाएगी। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, जिसके चलते अधिकतर बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों में इस गांव में करीब 300 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। गांव का ये आश्चर्यजनक पहलू पिछले लंबे समय से सुर्खियां बटोर रहा है। इतना ही नहीं, कभी आप इस गांव में जाएंगे तो यहाँ एक ब्लू बोर्ड भी दिखाई देगा, जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है। कोड जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए यहाँ भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में एक कोडनी का दौरा भी किया था। उन्होंने डीएनए का अध्ययन करने के लिए बाल और स्लाइवा के कई नमूने लिए थे। आपको बता दें कि वैज्ञानिक भी एक ही गांव में इतने जुड़वा बच्चे पैदा होने की वजह इन लोगों की जेनेटिक को मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि जो लोग गाँव छोड़कर जा चुके हैं, बाहर जाकर भी उनके जुड़वा बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। यानी अभी तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई गजब की बात के साथ। नमस्कार।